हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। 40s और 50 में भी हम उतने ही एनर्जेटिक रह सकते हैं जितने की 20s में, और ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपके अराउंड आपको मिल जाएंगे, उनमें से एक एग्जांपल मैं खुद को भी मानती हूँ। मेरे लिए मेरी एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा फुल ऑफ एनर्जी ही फील करती हूँ एंड आई लव दिस एनर्जी इन मी। कितनी बार आप लोग भी मुझसे पूछते हैं कि मेरी एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, तो एनर्जी तो सबको ही फूड, ब्रीथ और स्लीप से मिलती है, लेकिन कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, और यू कैन से ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जो मेरी हैबिट बन चुकी हैं। और किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाने के लिए उस पर रोज़ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक या दो दिन में कोई भी चीज़ आपकी हैबिट नहीं बन सकती। तो इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी एंड आई होप कि इन्हें अपनी हैबिट बनाने की कोशिश करके आप भी खुद को एनर्जाइज रख पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग विच आई फॉलो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कहते हैं कि 8 आवर्स की नींद हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप 7 आवर्स की स्लीप भी लेते हैं तो भी आप खुद को चार्ज रख सकते हैं। और दिन की शुरुआत अर्ली करने पे मैं हमेशा जोर इसीलिए देती हूँ क्योंकि इस टाइम एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है, और इस टाइम किए जाने वाला कोई भी काम दिन के किसी भी और टाइम के कंपैरेटिव हाफ टाइम लेता है। अपनी मैक्सिमम ड्यूटीज़ मेरे अर्ली उठ जाने की वजह से मैं जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, और अपने लिए एक सफिशिएंट फ्री टाइम खुद को रिवॉर्ड की फॉर्म में देती हूँ, और यही चीज़ मुझे सुबह अर्ली उठने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अर्ली उठ जाने के अनलिमिटेड बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं, उन्हें इस वीडियो में डिस्क्राइब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं जो इन बेनिफिट्स के रिगार्डिंग कुछ जानता ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको अर्ली उठने में कुछ हेल्प चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकेंड थिंग, हेल्दी ड्रिंक्स टू एनर्जाइज माई सेल्फ। किसी भी ड्रिंक के बारे में बात करने से पहले मैं प्लेन वाटर की बात करूंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में 72% तो पानी ही है, और अगर हमारी बॉडी में 2% भी पानी की कमी हो जाए तो हमारी 10% एनर्जी लो हो जाएगी, और इसी वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जिससे हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता, और ब्लड पंप नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी ठीक से पहुंच नहीं पाएगी, और रिजल्ट थकान महसूस करना, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एनर्जी लेवल लो है तो उसका एक रीज़न पानी की कमी भी हो सकता है। सो खुद को हाइड्रेट रखना मच मोर इम्पॉर्टेंट, और ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं एक वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखती हूँ और खाली होते ही उसे इमीडिएटली फिल कर लेती हूँ, और अब तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की एक हैबिट सी बन चुकी है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं अपने फ़ोन पे रिमाइंडर्स लगाती थी, या फिर एवरी टाइम वॉशरूम जाने के बाद एक ग्लास पानी का पीती थी। चाय मॉर्निंग में मैं कभी नहीं पीती हूँ, क्योंकि चाय जितनी जल्दी एनर्जी को स्पाइक करती है उतनी ही जल्दी क्रैश भी। इसके अलावा एज़ यू ऑल नो, अपनी हर मॉर्निंग की स्टार्टिंग मैं लेमन वाटर से ही करती हूँ फॉर क्लिनजिंग माई बॉडी, एंड ये एक इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही। बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए ग्रीन टी मुझे बहुत कॉपरेट करती है। इसके अलावा ग्रीन स्मूदी, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजीज इंक्लूडेड होते हैं, एनर्जी का एक गुड सोर्स है। जब भी मैं लो फील करती हूँ या फिर वर्कआउट से पहले, तो ब्लैक कॉफ़ी लेना पसंद करती हूँ, जिससे मेरी एनर्जी बूस्ट होती है एंड आई परफॉर्म फैंटास्टिकली। थर्ड थिंग विच आई फॉलो, ईट इन पोर्शन कंट्रोल। हैवी फूड, जंक फूड या किसी भी फूड की ओवर ईटिंग हमें लेथार्जिक बनाती है, और दूसरी तरफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी स्नैक्स या फिर किसी भी चीज़ को पोषण कंट्रोल में खाना हमें सुपर एनर्जेटिक बनाता है। मैं हमेशा अपनी बॉडी की आवाज़ सुनती हूँ, क्योंकि ये मुझे सब बताती है कि मुझे क्या, कब और कितना खाना है। बेस्ट वे टू ईट इन कंट्रोल इज़ टू च्यू योर एवरी बाइट वेरी वेल। अगर आपकी हर बाइट आपके मुँह में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर ही स्टमक में पहुँचे, तो आप हमेशा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड ही कंज्यूम करेंगे, और मेरी यही हैबिट हमेशा मेरे मूड को हैप्पी रखती है एंड यस, मुझे एनर्जेटिक भी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। कोई भी एक्सरसाइज आपके हार्ट रेट और ब्लड फ्लो को अप करती है, जिससे हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है। अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करना मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीने के लिए फूड कंज्यूम करना। डजेंट मैटर कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, ह्यूमन माइंड किसी भी एक चीज़ को डेली करते रहने से जल्दी ही बोर हो जाता है। मैं भी हो जाती हूँ, सो आई कीप चेंज माई एक्सरसाइजेज एंड मूव्स। कई बार मैं योग करती हूँ, रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी, बट आई नीड सम चेंज टू फील हैप्पी, क्योंकि जिस चीज़ में आप हैप्पी फील करते हैं, इन्जॉय भी उसी में ही करते हैं।
जिनके रिजल्ट्स भी परफेक्ट होते हैं। कुछ नहीं तो स्टार्टिंग में खुद के साथ सिर्फ बैठना शुरू करें, जिससे खुद को टाइम देने की इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी। एंड स्लोली स्टार्ट सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जब आप गुड फील करें तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही डेली मेडिटेशन मेरे माइंड को रिलैक्स करती है, और रिलैक्स माइंड हमेशा ही एनर्जी कंजर्व करता है। मेंटली स्ट्रांग होने से आप लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने के लिए ज़्यादा कंपैटिबल हो जाते हैं। मेनली लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो आपके लिए मैटर करना बिल्कुल बंद कर देता है, और ये पार्ट सिर्फ मेडिटेशन करने से ही आती है। नेक्स्ट इज़ प्लान योर डे। डेली एक टू डू लिस्ट बना के अपने दिन को प्लान करना आपकी एनर्जी को सेव करता है। अदरवाइज हमारा कितना ही टाइम और एनर्जी कब क्या और कैसे करना है सोचने में ही निकल जाता है। सो मैं अपने छोटे से छोटे काम की लिस्ट एक रात पहले ही रेडी कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे डबल स्पीड और हाफ टाइम में उन कामों को ख़त्म करके खुद को फ्री कर सकूं। और ये चीज़ प्रैक्टिकली काम करती है, और आप हर काम से पहले सोचने में लगने वाली एनर्जी को सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कीप माई एरिया क्लीन। जितना हमारा अराउंड मैसी रहता है उतनी ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। फर्स्ट थिंग, यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकने की बजाय डायरेक्ट उन्हें उनकी जगह पे रखना स्पेस को क्लीन रखने के साथ साथ माइंड को भी फ्रेश रखता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अपने अराउंड फैली हुई चीज़ों को उठा के अपनी जगह पे रखने में। सो चलते फिरते मैं ये काम भी करती रहती हूँ, जिससे एक साथ बहुत सा काम इकट्ठा करने से मैं बच जाती हूँ और साथ ही बचा लेती हूँ अपनी बहुत सी एनर्जी। क्योंकि जितना आपका आसपास का एरिया मैसी रहेगा, उतना ही आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड और इरिटेटेड फील करेंगे। और ये साइंटिफिकली ट्रुथ है कि क्लीन एरिया में बैठ के काम करने से आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और बच्चों को अपने साथ काम में इन्वॉल्व करना आपकी एनर्जी को तो सेव करता ही है, साथ ही बच्चों को अपने डेली वर्क से भी थोड़ा चेंज मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक माई थाट्स। हमारे थाट्स पे सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये कंट्रोल हम दूसरों को देते हैं तो हमेशा डिसअपॉइंट ही होते हैं। इमोशंस हमें ओवरकम करते हैं, और ये चीज़ हमारे ह्यूमन होने का प्रूफ है। शायद कोई भी पर्सन दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो कभी हर्ट नहीं होता। मैं भी होती हूँ। सो दूसरे कब क्या बोल के आपको हर्ट करेंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बट हाँ, उन थाट्स का इफ़ेक्ट खुद पे कितनी देर तक होने देना है, ये आपके ही कंट्रोल में है। सो मैं स्ट्रेस देने वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, यानी स्ट्रेस से मैं खुद को हमेशा दूर ही रखती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उन पे एफर्ट ज़रूर करना चाहिए, बट जिनका कंट्रोल आपके पास नहीं उनके बारे में सोचना तक बेवकूफ़ी है। आप इमोशनली कैसा फील करते हैं, फिज़िकली कैसा फील करना है, ये आपके हाथ में है। उस छोटी से छोटी चीज़ के बारे में सोचें जिसने आज आपको खुश किया। जो थॉट्स एनर्जी सक करते हैं उन पे इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा देने में ही भलाई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी सक करती हैं, जिनमें से लेट नाइट तक जागना, जंक फूड खाना, बॉडी को डिहाइड्रेट रखना, और स्ट्रेस को कभी खुद से दूर जाने ही नहीं देना। लेकिन दो चीज़ें ऐसी और हैं जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, जिनमें से एक सुबह सुबह उठते ही टीवी न्यूज़ देखना और अननेसेसरी चीज़ों में फ़ोन पे टाइम वेस्ट करना। टीवी पे आने वाली मैक्सिमम न्यूज़ हमारे माइंड को स्ट्रेसफुल करती हैं, जिससे एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अवॉइड वॉचिंग टीवी एटलीस्ट इन द मॉर्निंग, और साथ ही ब्रेकफास्ट से पहले कभी अपने फ़ोन पे टाइम यूटिलाइज ना करें, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, और सुबह की एनर्जी को दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में यूटिलाइज करने की हैबिट बनाएं। जरूरी मेल चेक करनी हो तो भी मेल चेक करने के बाद फ़ोन को साइड रख दें, इसे अपनी हैबिट में इंक्लूड करें। डेली छोटे छोटे चेंजेस हमारे लाइफ में बड़े चेंजेस ले आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अपनी एनर्जी को बढ़ाना या कम करना हमारे ही हाथ में है। थिंक वाइजली एंड इनकॉर्पोरेट गुड हैबिट्स, और कर पाए तो ये कंप्लेंट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि एनर्जी कहाँ से लाएं। आई होप यू विल वर्क ऑन इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।